हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? बैकग्राउंड में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा उसको निगलेक्ट करना क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर हूँ। तो एक्चुअली मुझे आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना था, इसीलिए मैंने आप लोगों को जल्द से जल्द वीडियो बनाने का सोचा। और आपको, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि अभी जो रेट्रोग्रेड चल रहा है और जो सिचुएशन चल रही है उसके कारण बहुत सारी चीज़ें हो रही है, और उसी के साथ में अभी जो चल रहा है, अभी हमारा पितृ मास चल रहा है और उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती है आप लोगों को। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पूरा वीडियो कंप्लीटली सुनना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि कल जो मैंने वीडियो बनाया था, थोड़ा सा स्लोली मैंने इसलिए बताया था क्योंकि थोड़ी कल ज़्यादा ही एनर्जी ऐसी बिगड़ी हुई थी, लेकिन आज की एनर्जी भी बहुत ऐसी, डीएम की एनर्जी ऐसी चल रही है कि लिटरली उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं जो रिपीटेडली उनके लाइफ में आ रही हैं। तो ऐसी चीज़ें रिपीटेडली मतलब ऐसा नहीं कि सेम टू सेम आ रहा है, लेकिन सिचुएशन बहुत उथल पुथल चल रही है डीएम के लाइफ में, क्योंकि उनके उनके जो कर्मा बर्डन्स हैं, उनके उन जिनके साथ में वो जुड़े हुए हैं, जिन लोगों के साथ में उनसे उनके कॉन्टेक्ट्स हैं, मतलब जिन लोगों के साथ में वो रहते हैं, उन लोगों के साथ में कर्मा बर्डन, ये नॉट ओनली कि हमारे ट्विन्स के साथ में ही हो रहा है, बल्कि बट ऑल्सो हर इंसान जो जिनके कर्मा से जुड़े होते किसी ना किसी से, किसी भी प्रकार से, तो उनके साथ में भी ये सारी चीज़ें हो रही होती है और उसके कारण हमारे डीएम को भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो हमारे डीएम जो है लिटरली अपने ऊपर में सेल्फ लव उस लेवल पर नहीं कर पा रहे, काफ़ी लोग सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं और टेंशन्स बहुत ज़्यादा है पूरी सिचुएशंस में। और उनको उस वक्त अपनी डीएफ की बहुत याद आ रही कि मैं अपनी सारी चीज़ें शेयर करूँ तो मैं सिर्फ अपनी डीएफ के साथ ही शेयर कर सकता हूँ, मेरी टेंशन्स इतनी बढ़ चुकी है। तो उनकी इतनी सारी टेंशन्स बढ़ चुकी है लिटरली कि मतलब क्या करे और क्या ना करे, कैसे सॉल्व करे, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन वो सोल्यूशन के बदले वो प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या करे उनको समझ में नहीं आ रहा है। और इस वक्त उनको सोल्यूशन दे सकती है तो उनको पता है कि सिर्फ ये सोल्यूशन जो दे सकती है हमारी डीएफ ही दे सकती है, मतलब उनको डीएफ नाम तो नहीं पता होगा बट डेफिनेटली उनको याद आ रही है आपकी बहुत ज़्यादा। तो ये एक कम्युनिकेशन, री कम्युनिकेशन का भी समय होता है, लेकिन हाँ, आपको खुद से कांटेक्ट नहीं करना है। यदि कुछ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा है, तो वो बात सिचुएशन सरकमस्टेंसेस के हिसाब से वो अलग हो सकते हैं, थोड़े से आपके कांटेक्ट नहीं करना या करना वो आपके पर्सनल सरकमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, वो आप खुद से इस प्रकार से नहीं कर सकते, ठीक है? तो सरकमस्टेंसेस सबके सिचुएशंस अलग अलग हैं, लेकिन सिचुएशंस बहुत ही अभी डीएम के ऐसे हैं कि अपने डीएम को बहुत याद कर रहे हैं और सिचुएशंस भी ऐसे फंसे हुए हैं कि वो क्या करें और क्या ना करें समझ में नहीं आ रहा उनको, बहुत कंफ्यूजन स्टेज पे चल रहा है। और ये लिटरली रेट्रोग्रेड का भी असर है काफ़ी लोगों पे, तो काफ़ी लोगों पे अभी जो है। और एक मैं बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पहली बात तो बहुत सारी नेगेटिविटी है जो बहुत ज़्यादा अटैक कर रही है इस समय, डराना नहीं चाहूँगी, लेकिन हाँ अटैक जरूर कर रही है, बहुत बुरी तरह से अटैक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रोटेक्शन ही है जो आपको बचा रहा है, प्रोटेक्शन ही है जो आपको बचा रहा है। अगर आपने प्रोटेक्शन प्रॉपरली नहीं लिया है तो फिर से लीजिए, प्रॉपरली लीजिए। और किसी भी प्रकार से हो सकता है आपने प्रोटेक्शन लिया लेकिन परिवार के सदस्यों का ठीक से नहीं लिया हो, तो परिवार के सदस्य भी लड़ते हुए आपके तरफ आ सकते हैं, आपको ब्लेम कर सकते हैं, ये क्या इनर वर्क कर रहे हो, मतलब आपको रोकने की पूरी कोशिश है, इनर वर्क करने नहीं दिया जाएगा आपको, कुछ भी करने नहीं दिया जाएगा, हर प्रकार से रोकने की कोशिश की जाएंगी, बट उस समय आपको क्या करना है, उस समय बस आपको करना है गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। वाइट लाइट, ब्राइट लाइट एनर्जी उन पर भी आ रही है जो लोग भी आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू बोलते रहिए, ओम नमो शक्ति शिवाय, ओम जो भी आपके फेवरेट मंत्रास है, ओम 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 करिए, वो मंत्रा जप कीजिए, अपा जप कीजिए, मेरा कहने का मतलब है कि अपा जप करिए, अपा जप बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। और आपको एनर्जी क्लींजिंग भी करना है, ऑरा क्लींजिंग भी करना है, डेफिनेटली करना है, किसी भी हालत में करना है। ऑरा क्लींजिंग कैसे करते हैं मैंने बताया है ऑलरेडी वीडियो में कि ऑरा क्लींजिंग कैसे करते हैं, आपको कपूर और लवंग के साथ में जो धुआ बत्ती करनी है वो, ऑरा क्लींजिंग और अपना स्पिरिचुअल बाथ, ये इन घर में वो सारी हल्दी का वो जो नेगेटिविटी रिमूविंग एंड प्रोटेक्शन वाला जो वीडियो है, नेगेटिविटी रिमूविंग वाला वीडियो है हमारे चैनल पे, उसको देखिए, डेफिनेटली मैं हर वीडियो में बोलती हूँ उसको देखिए, वो रिचुअल्स फॉलो कीजिए
और फिर डेफिनेटली आपको साथ में बहुत अच्छा होगा। और जितनी भी जो भी है आपके कॉस्मिक पार्टनर के साथ में जो भी हलचल हो रही है, जो भी चीजें हो रही है अभी फिलहाल के लिए, आपकी बात टॉकिंग टर्म में हो या नहीं भी हो, फिर भी हो रही है, ठीक है, फिर भी हो रही है ये चीजें। और जब भी ये चीजें हो रही है तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉपरली बस दुआ करनी है, यहाँ पे प्रोटेक्शन अच्छे से लेना है अपने कॉस्मिक पार्टनर के लिए, उनके परिवार के लिए भी प्रोटेक्शन लेना है, दुआ करना है, प्रार्थना करनी है यूनिवर्स से, बहुत अच्छे से प्रेयर करना है, इनर वर्क तो करना ही करना है हर हालत में, ठीक है। अच्छे अच्छे फॉर्म कीजिए, सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेना जरूरी है। सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं आपके डीएम, सेल्फ लव नहीं कर रहे, खुद का खाने का ध्यान नहीं, खुद का शरीर का ध्यान नहीं, खुद का कुछ भी नहीं, मतलब माइंड का टेंशन लेके खड़े बैठे हैं। जो मेडिटेशन कर भी रहे थे वो लोग भी मेडिटेशन काफ़ी वक्त से अगर नहीं कर रहे हैं या फिर किसी सिचुएशन के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, तो वो निगेटिविटी का अटैक है कि नहीं, कैसे भी करके इसको रोकना है, इनर वर्क करने से रोकना है, मतलब उनको भी रोका जा रहा है इनर वर्क करने से। इसीलिए आपको इनर वर्क जबरदस्त करना है, क्योंकि डीएम अगर इनर वर्क नहीं कर रहे हैं तो आपको और भी अच्छा सा इनर वर्क करना है, और उन लोगों को भी करना होता है एक्चुअली। लेकिन रुकावट तो आ रही है, रुकावट तो उनको भी आ रही है, जैसे कि आप लोगों को आती है तो आप लोग संभल जाते हो, लेकिन डीएम्स इतने जल्दी संभल नहीं पाते कुछ चीज़ों को। तो उस चीज़ को संभलने के लिए, उस चीज़ को समझाने के लिए, उस चीज़ को बोलने के लिए, उस चीज़ को हायर कॉन्शियस से कनेक्ट करने के लिए, हर चीज़ को उनके कंफ्यूजन से बाहर निकालने के लिए। लेकिन हाँ, ये बात जरूर कहना चाहूँगी कि उनको डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, हद से ज़्यादा याद आ रही है, लेकिन सिचुएशंस की हालत के वजह से भी वो बहुत परेशान है। आपको याद करके भी तो परेशान रहते ही हैं, उनकी सिचुएशंस की वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान है। उनकी सिचुएशन क्या है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको। तो समझाने वाला कौन है? आप समझाओगे, आपकी बात होती है तो आप बताओगे, नहीं बात होती है तो आप उनको गाइड करोगे। ये कलेक्टिव एनर्जी में, ऐसा नहीं कि सबको रेजोनेट हो ही रहा होगा, बट मैक्सिमम लोगों को रेजोनेट होगा ये, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो। और एक बात मैं कहना चाहूँगी आप लोगों से कि कोई कोई प्रोटेक्शन शील्ड लेना चाहते हैं, अंडा कर आकर में प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हो आप सिल्वर कलर का, तो तब अगर प्रोटेक्शन शील्ड अंडा कर में मस्त लेवल पे अच्छे से बन रहा तो अच्छी बात है। आड़ा टेढ़ा कुछ भी ऐसा बनता है कभी कभी आप लोगों का, ठीक से बन नहीं पाता है, मतलब लिटरली बन नहीं पाता है, कितनी भी कोशिश करो बन नहीं पा रहा है। वहाँ पे क्या कमी हो रही है? तो वहाँ पे ये कमी हो रही है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रोकने की कोशिश कर रही हैं, निगेटिविटी आपको प्रोटेक्शन शील्ड बनाने ही नहीं दे रही है प्रॉपरली। तो उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा आपको रेगुलरली इनर वर्क करके, कि आप प्रोटेक्शन शील्ड भी प्रॉपरली ले सको, प्रॉपरली बना सको। प्रोटेक्शन शील्ड भी अगर प्रॉपरली नहीं बनेगा तो वो होता है ना, तो इसीलिए प्रोटेक्शन शील्ड प्रॉपरली बनाओ, अच्छे से बनाओ, ऑरा लॉक करो, ठीक है। और पीरियड अगर है किसी को तो पीरियड में ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, हमारा जो ऑरा होता है सॉफ्ट हो जाता है, वीक होता है, तो उस वक्त ज़्यादा अटैक्स होते हैं। तो इसीलिए इस वक्त को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हुए सारे रिचुअल्स जरूर कीजिए जो मैंने बताए हैं। इससे पहले भी बहुत सारे रिचुअल्स बताए हैं, आप वो रिचुअल्स कीजिए, प्रॉपरली कीजिए सारी चीज़ें, डेफिनेटली सारी। हाँ, और एनर्जी क्लिंजिंग भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी किसी को सर दर्द, उल्टिया, चक्कर आना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये चीज़ें जब हो रही हैं तो थोड़ा सा अपने ऊपर में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, नींद अच्छे से लेने की ज़रूरत है, योग निद्रा करो, नींद पूरी नहीं हो रही है तो डेफिनेटली अपने ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है इस वक्त। थोड़े टेंशन, और कुछ लोगों को ब्लेम भी हो सकते हैं, मैंने बताया था कल भी कि ब्लेमिंग की एनर्जी भी चल रही है काफ़ी लोगों की, कि दूसरों के ऊपर में ब्लेम डालेंगे, दूसरों के ऊपर, अपनी खुद की एनालाइज करने का समय है ये, अपने खुद को समझने का समय है ये, हाँ, खुद के ऊपर कंसंट्रेशन करने का समय है ये, और आपको खुद के ऊपर में काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा खुद को एनालाइज करने का समय है ये। आप अगर अपने आप पर फोकस करते हो, अपना इनर वर्क पे के साथ, अपने आप में कितना चेंजेस आया और क्या है, ये सारी चीज़ों पे फोकस करते हो, तो डेफिनेटली आपके कॉस्मिक पार्टनर आपके बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, आपका एनालाइजिंग, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी ऊपर में काम कीजिए डियर फ्रेंड्स। और जैसे ही नवरात्र आती है कुछ नई शुरुआत जरूर कीजिए, ठीक है। नवरात्र के वक्त भगवान का आशीर्वाद लीजिए नवरात्र में, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। दशहरे के दिन जो है
आपको पता है कि रावण का अंत होता है तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, ऐसे हम बोलते हैं। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर सिचुएशन में भी हमारे भगवान हमारे साथ हैं, कि निगेटिविटी किसी भी प्रकार से अटैक करने की कोशिश करे, नो मैटर अबाउट दैट, ठीक है। तो जब हम ऑरा क्लिंजिंग, एनर्जी क्लिंजिंग और अपना कर्मा रिलीजिंग प्रोसेस करते हैं, कर्मा रिलीजिंग का टाइम है ये, ठीक है, और एंजल से, हमारी गार्डन एंजल से ज़्यादा कनेक्ट रहिए, हमारे इष्ट देव के साथ में, अपने इष्ट देव के साथ, अपने गार्डन एंजल्स के साथ में ज़्यादा कनेक्टेड रहिए, सभी आर्क एंजल्स को प्रार्थना करिए, सभी भगवानों को, देवी देवताओं का स्मरण कीजिए, अपा जप करते रहिए, एंड एवरी थिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट एवर इंट्यूशन यू हैव, यू डू दैट, एंड एंसेस्टर हीलिंग भी करना है, ठीक है। पंडित लोगों को जो भी है, दान दक्षिणा करो, अमावस्या के दिन अभी आ रहा है, दान दक्षिणा, कौवे को खाना खिलाओ, ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम नेक्स्ट, ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।